नमस्कार दोस्तों, ला मंत्राओ पहा यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, नहाते समय करें एक मंत्र का जाप तो होगा कोई भी वशीकरण। जी हाँ मित्रों, आज का जो वशीकरण मैं आपको बताने जा रहा हूँ वह है, नहाते समय यदि आप एक मंत्र का उच्चारण कर लेते हैं और 7 अंगों पर तिलक करके उसका नाम लिख देते हैं तो कोई भी स्त्री पुरुष चुटकियों में आपके वश में हो जाएगा और यह टोटका बहुत ही शक्तिशाली है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। मित्रों, बहुत से लोगों ने यह सुना होगा कि पौराणिक जमाने में जब ऋषि अपने वस्त्र धोते थे तो यदि उनके नहाते समय यदि जब जिस मंत्र का मंत्रों का उच्चारण करते करते नहाते थे और उनका जल यदि किसी स्त्री के या किसी पुरुष के साथ मान लीजिए वह पी लेता था या उसके टच भी हो जाता था तो वह उसके अधीन हो जाता था और ऋषि के गुणी अधीन माना जाता था। उसी तरीके से आज का जो वशीकरण टोटका वह बहुत ही प्रबल है और यदि आप इस टोटके को इस मंत्र का उच्चारण नहाते समय करते हैं तो कोई भी आपके वश में आसानी से हो सकता है, वह चाहे स्त्री है या पुरुष है। मित्रों, विधि बताने से पहले मैं कहूँगा, अगर अब तक आपने हमारा लव मंत्रों का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आगे चलकर हम आपको और भी टोटके के मंत्र बता पाए। मित्रों, इस विधि को केवल और केवल तभी करना जब आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो इस टोटके की और आपको लगे इसके बिना आपका कोई भी कार्य संभव नहीं, तभी करें। कृपया नकारात्मक काम के लिए बिल्कुल भी न करें, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, क्योंकि ये बहुत ही शक्तिशाली है और अपना परिणाम तुरंत दिखा दे। मित्रों, आपको याद तो चंदन लेना है, पीला चंदन, या आपको केसर चंदन लेना है और आपको एक स्केच चाहिए जिससे आपको क्या करना है, नहाते समय जब आप स्नान करें उस समय आपको अपने 7 अंगों पर नाम लिख लेना है, जैसे कि आप अपनी इन दो हाथ की हथेलियों पर नाम इस तरीके से नाम, जिस भी स्त्री पुरुष को आप वश में करना चाहते हैं, तो यहाँ का दो आपके पांव पर, बिल्कुल मित्रों ध्यान से सुनिएगा, दो अपने हाथों पर नाम लिखना है आपने, दो अपने पांव पर, और फिर आपको दो नाम अपने सीने पे लिखने हैं, इस तरीके से 6 हो जाएंगे और एक आपको अपनी नाभि के नीचे लिखना है। इसी तरीके से आपको ये प्रयोग करना है, दो आपको अपने पांव के पास लिखना है। मित्रों, आप एक बार फिर से सुन लीजिए, दो एक 7 बार नाम लिखना है, दो अपने हाथों पर, दो अपने पांव पर, दो अपने सीने पर और एक गुप्तांग के पास लगभग नाभि के इनके बीच में आप लिखें और उसके बाद आपको इन पे इस तरीके से केसर चंदन का तिलक लगाना है। ये कार्य आपको सिर्फ स्नान करते समय ही करना है और तिलक लगाने के बाद आपको अपने ऊपर जल डालते हुए आपको एक मंत्र का उच्चारण कर, मंत्र ये जो स्क्रीन पर शो होगा इसी मंत्र का आपको उच्चारण कर, मंत्र इस तरीके से है, ओम ही कली श्री काली के सर्वमान मम वश्य गुरु सर्वनाम का मैं साध्य साध्य। मंत्र में एक बार फिर से बोलने जा रहा हूँ, ओम ही कली श्री काली के सर्व नाम मम वश्यम गुरु गुरु सर्ववान कामने मैं साध्य साध्य। इस मंत्र का आपको केवल और केवल तब तक उच्चारण करना है जब तक आप स्नान नहीं कर लेते, यानी कि 185 या 86 के बीच आप इसका उच्चारण करें, स्नान कर लेते हैं और आपको शैम्पू साबुन का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना, किसी भी प्रकार का प्रयोग केवल आपको संपूर्ण साथ स्नान करना है। स्नान करने से पहले आप उस पानी में 3 बार उसका नाम लेके फूंक मार दी और उसी में से जब आप स्नान कर लें तो थोड़ा सा जल ले लें। एक बार फिर से आपको किसी भी साबुन शैम्पू का प्रयोग नहीं करना है, वह जल आप यदि किसी भी स्त्री पुरुष को पिला देंगे तो वह आपके वश में हो जाएगा। मित्रों, ये बहुत ही शक्तिशाली टोटका, कृपया बहुत ज़्यादा जरूरत हो, अपने प्रेम को पाने की इच्छा हो, प्रबल इच्छा हो, तभी आप इस कार्य को करें, आपका प्रेम सब, अन्यथा किसी का निजी स्वार्थ के लिए न करें। तो अगर किसी कारणवश आप इस कार्य को करने में विफल रहते हैं या इसके बारे में अन्य ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो मुझे कॉल व्हाट्सअप कर सकते हैं, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर दिया गया है। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ।